एवरीवन, दिस इज मी साथिया हेयर मार्क लेके आई हूँ कॉलिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपके पर्सन के दिल में क्या है जो आपसे कहना चाह रहे हैं बट कह नहीं पा रहे. तो लेट्स फाइंड आउट. इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी इंक्लूड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड. और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी. सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब को छोड़ दो. अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. सो लेट्स सी कि क्या कहना चाह रहा है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ. वाओ, वी डू हैव द कप, यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म. आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि कुछ चीज़ों में आप दोनों के दरमियान में जो अनबन होती है उसमें कहीं ना कहीं आप ही शायद गलत होते हो. आप लेकिन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आप इस चीज़ को नेगेटिव ले जाते हो. सो कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. आप शायद यू नो आपके पर्सन आपको कुछ समझाना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन आप उसको एज अ क्रिटिसिज्म जो है एक्सेप्ट नहीं करते हो. आपको लगता है कि आपका पर्सन आपके साथ गलत बिहेव कर रहा है या फिर वो किसी की बातों में आके कुछ ऐसा कह रहा है. मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों में वो चाहते हैं कि आप अपने आप को इम्प्रूव करो. लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते. ब्रिज सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आप दोनों मिलकर समझ कर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके आगे रिलेशनशिप में चलोगे तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सकता है, आप दोनों ओवरकम कर सकते हो चैलेंजेस को. लेकिन अगर आप ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर यू नो क्रिटिसाइज करोगे या एक दूसरे के अंदर ही चीज़ों को नेगेटिविटी निकालोगे और दूर हो जाओगे तो चीज़ें वर्क नहीं करेंगी. इसलिए अगर वो कुछ समझाते हैं उसको समझने की कोशिश किया करो. फ्रैंक पैन ट्रबल एक्यूजेशंस. आपके पर्सन को नहीं पसंद है कि आप उनको एक्यूज़ करो जिन चीज़ों के लिए वो यू नो जो वो करते नहीं है उन चीज़ों को लेकर. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपकी फ़ाइट और आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही होगी पर्सन के साथ, जो कि आपसे वो तंग आ रहे हैं, जो वो कह नहीं पा रहे हैं शायद, लेकिन वो इन मैसेजेस के थ्रू कहना चाहते हैं आपसे. न्यू होम न्यू एटीट्यूड. ब्रूम. मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप और आपके पर्सन जो है मिलकर एक नया चैप्टर शुरू करें और जो पास्ट में हो चुका है उसको कंसिडर नहीं करें, यू नो उसको बार बार बीच में नहीं लेकर आए. एक नया फ्रेश स्टार्ट करें जिसमें पास्ट को पास्ट में छोड़ के एक नया घर बसाने की कोशिश करें. सो मुझे लगता है कि आपके पर्सन काफ़ी हद तक चाहते हैं कि आप दोनों एक फ्रेश स्टार्ट करो और पास्ट की चीज़ों को पास्ट में रहने दो, एक नए एटीट्यूड के साथ एक नए बिहेवियर के साथ इस रिलेशनशिप को लेकर चलो. ट्यूलिप ग्रेट पैशन. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन यस जो स्ट्रगल्स हैं वो हैं और वो उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, उनसे भागना नहीं चाहते. वी डू हैव अ पाइनएप्पल रिकन्सिलिएशन. आपके पर्सन आपसे रिकन्साइल करना चाहते हैं. अगेन जो इशूज हैं जो आप दोनों के दरमियान में प्रॉब्लम्स हैं वो उनको रिजॉल्व करना चाहते हैं. वी डू हैव द गेवल इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ. आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि शायद वो किसी तरह के यू नो केस या लॉ के यू नो मैटर्स में फंसे हुए हैं, जो कि जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको थोड़ा टाइम चाहिए आपसे, या हो सकता है कि कोई सीरियस मैटर हो जो उनके काम से रिलेटेड हो, उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो, वो आपको बताना चाह रहे हैं. सो आपको चाहिए कि आप उनको सपोर्ट करो. लाइटनिंग कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी. ये तो वार्निंग की जैसे लग रहा है. आपके पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं कि आप अपना एंगर कंट्रोल करो वरना फिर यू नो आपको बुरा लगेगा जब अगर कुछ खराब होता है इस रिलेशनशिप में, फिर आप सॉरी फील करोगे कि आपको गुस्सा क्यों आया या यू नो स्टफ लाइक दैट. तो आपके पर्सन को नहीं पसंद है कि आप हर चीज पे शायद गुस्सा कर जाते हो, चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करते हो और बार बार पास्ट को लेकर आते हो. डोर अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि एक नया अपॉर्चुनिटी हमें दी जा रही है या हमें एक नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू रिकनसाइल, टू पैच अप, टू फिक्स थिंग्स अप. तो कोशिश करो कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कंसिडर करो रादर देन लाइक यू नो पुशिंग इट अवे और फिर से वही सब रिपीट करके चीज़ों को खराब नहीं करो. The next card is nest. An emotionally secure, loving family is important to you. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके साथ अपना घर बसाना चाहते हैं, एक अपना यू नो होम लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो जब आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं तो वो चाहते हैं कि आप ये जान लो कि उनके लिए फैमिली उनके लिए इम्पॉर्टेंट है. सो अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो तो यू हैव टू बी लविंग एंड केयरिंग टूवर्ड्स देम एज वेल. सो द नेक्स्ट कार्ड इज क्लाउड्स टेम्प्रेरी प्रॉब्लम्स. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि जो भी आप दोनों के दरमियान में इश्यूज हैं, कंसर्न्स हैं जो आपको इस इंसान को लेकर हैं, ये
प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व हो जाएगी। तो ट्राई करो कि आप फिलहाल पर्सन के साथ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हो जाओ, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उसकी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश करो, उनसे बातचीत करके रिजॉल्व करने की कोशिश करो, रादर देन पुशिंग देम अवे और रनिंग अवे फ्रॉम देम। सो लेट्स सी कि और मैसेजेस क्या हैं आपके पर्सन के, और क्या कहना चाहता है आपसे आपके पर्सन जो कह नहीं पाते हैं। लेट्स सी उनके मैसेजेस के साथ क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। और क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन आपसे। लेट्स फाइंड आउट क्या है उनके मैसेजेस आपके लिए। क्या है उनके दिल में जो आपसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पाते हैं। I no longer let people influence my life. I have changed. आपका पर्सन आपसे ये कहना चाहता है कि वो अब लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं करने देते हैं अपनी डिसीजंस को, अपनी लाइफ को। वो चेंज हो चुके हैं, वो बदल चुके हैं, इसीलिए शायद वो चाहते हैं कि आप रिकनसाइल करो उनके साथ, एक नया चैप्टर स्टार्ट करो और एक दूसरे को चांस दो। आई मिस द फील ऑफ यू नेक्स्ट टू मी। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपका साथ होना, आपका पास होना मिस करता है अपनी जिंदगी में। आई कांट स्टॉप लुकिंग एट योर पिक्चर्स। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि दे कैन नॉट स्टॉप, आपकी पिक्चर्स को देखते रहते हैं वो और वो आपको मिस करते रहते हैं। When the time is right, we will be back together. अगर आप right now no contact की situation में हो तो मुझे लगता है कि आपके person आपको समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं इन पूरे messages में, और वो कहना चाह रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ फिर से आओगे, एक नया chapter start करोगे, reconcile करोगे, ये जो भी issues हैं ये temporary हैं। I miss you, no matter what happened, how it happened, I still love you. आपके person आपको miss करते हैं, वो चाहते हैं कि आप दोनों patch up करो, जैसा भी हुआ, जो भी हुआ, गलत हुआ, और वो चाहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म किया जाए और chapter start किया जाए, वो still आपसे प्यार करते हैं। I am considering your love offer. Please give me some time. आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिसीजन बनाना चाह रहे हैं, सो आप उनको थोड़ा टाइम दो। I miss being loved by you. आपके पर्सन आपके प्यार को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। I choose to walk away or stay silent, but I'm badly affected. आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि वो आपके पास रहेंगे, आपसे दूर जाए, वो डेफिनेटली इन्फ्लुएंस होते हैं इस सिचुएशन से, और वो चाहते हैं कि आप सब कुछ भुलाकर एक अच्छे वे में एक दूसरे के साथ एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, और ये बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे यू नो कहने वाले हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए, अगर आप राइट नाउ नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो, मुझे लगता है कि आपको मेंटल कन्वर्सेशन अपने पर्सन के साथ करनी चाहिए, उससे आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी, जब भी आपकी बातचीत होती है एक दूसरे के साथ, तो कोशिश करो कि पास्ट के एलिमेंट्स को या पास्ट की रीजंस और ब्लॉकेजेस को बार बार बीच में मत लेकर आओ कि तुमने ये किया था या मैंने ये किया था और तुमने ये कहा था। ट्राई करो कि पास्ट को लेट गो करते हुए एक नया चैप्टर स्टार्ट करो, एक नया यू नो फाउंडेशन ले करो टू दिस कनेक्शन, जहाँ पे फ्रेंडशिप हो, जहाँ पर स्ट्रांग बॉन्ड हो आप दोनों के दरमियान में, ताकि आप दोनों एक दूसरे से ओपनली चीज़ें शेयर कर सको। अगर कुछ गलत है उनके अंदर आप उनको कहो, आपके अंदर कुछ गलत है वो आपसे कहें, लेकिन उसको पॉजिटिवली लेना है, जैसे जैसे फर्स्ट कार्ड में था। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। और या ये थीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय।